राहुल के संग और ये फाइट अब शुरू होने वाली है और रेफरी ने इस जंग का ऐलान कर दिया है। राहुल पास्ट फ्रिक्स मैन का बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा है और मिस्टर फ्रिक जो कि एक रसल स्क्वायर के अब बहुत ही अच्छे खिलाड़ी बन गए हैं, अभी चपेट में रखा हुआ है इनको राहुल ने। और मेरे साथ ही कमेंटेटर हैं और वो आपको इसमें और भी बताएंगे क्या चल रहा है और क्या हो सकता है इस मैच के अंदर। जी हाँ, अभी हम देख सकते हैं एक बेहतरीन चेन रेसलिंग चल रही है यहाँ पे दोनों ही रेसलर्स के बीच में और हेडलॉक टेक डाउन में यहाँ पे जकड़ लिया है राहुल ने मिस्टर फीक को। मिस्टर फीक उठते हुए अपने पैरों पे वापस खड़े हो गए हैं और देखिए बाल जमकर करते हुए फिरते हैं और लेकिन राहुल ने अपनी पावर का प्रदर्शन दिखा के एक जबरदस्त शोल्डर टैकल दे दिया है और यहाँ पे मैच का एक्शन बढ़ता हुआ यहाँ पे और हिप टॉस की कोशिश, लेकिन राहुल ने रिवर्स करके दे दिया एक बेहतरीन हिप टॉस और मिस्टर फ्रीक अपने कोने में जाते हुए बहुत ही ज्यादा शॉक्ड लग रहे हैं वो। मुझे लगता है मिस्टर फ्रीक इस समय दंग है, हैरान है कि उनको जो उनको मूव मारना था वो राहुल ने कैसे मार दिया है। अब वो मैच में स्लो हो गए हैं कोई चाल बनाने के लिए, जैसे कि मैंने कहा था उन्होंने डंक करके एक बहुत ही बेहतरीन किक मार दी है एब्डोमिनल एरिया में और डाउन कर दिया है राहुल को और यहाँ से इनकी मुझे लगता है मैच के अंदर ये पिटाई करते हैं ओपोनेंट्स की यहाँ से शुरू हो गई है और यहाँ आज विक्टिम बनने जा रहे हैं राहुल। यहाँ पे हम देख सकते हैं मिस्टर फ्रीक की वही बदतमीजी वाली हरकत जो हमें हमेशा देखने को मिलती है रेफरी स्क्वायर के रेंज में, रेफरी से बदतमीजी को कर रहे हैं और गला पकड़ रहे हैं रेफरी का, बहुत ही बदतमीज है ये रेसलर, क्या कहते हैं आप? ये इनका ढंग है शुरुआत से ही, तभी अपना मुंह छुपा के आते हैं कि कोई भी बदतमीजी हो इनका चेहरा कोई ना पहचान पाए, इनकी नहीं जान पाए, बट मुझे लगता है राहुल आज इनकी नकाब की धज्जी उड़ाने वाले हैं और पूरे जो रेस्टिंग फैंस हैं उनको इनका चेहरा दिखाने वाले हैं, बहुत ही बुरी हार इनको देने वाले हैं राहुल आज। जी हाँ बिल्कुल, और क्लोज लाइन से मैच में वापसी करते हुए राहुल और जड़ दिया एक जबरदस्त मुक्का जबड़े पे और एक और विप करते हुए यहाँ पे क्लोज लाइन का एक और करने का प्रयास, लेकिन मिस्टर वीक ने डक करके दे दिया है एक रनिंग अपर कट, बहुत ही शानदार अपना एक्सपीरियंस दिखाते हैं और देखिए फिर से वही चिढ़ा रहे हैं। जी हाँ, चिढ़ा रहे हैं रेफरी को, क्राउड को, राहुल को, उन्हें कोई फर्क मुझे लगता नहीं पड़ता है किसी के। मैच का कंट्रोल अभी है मिस्टर के हाथों में, जबरदस्त स्नैप सुप्लेक्स डिलीवर कर दिया है राहुल का, मुझे लगता है बैक का बुरा हाल हो गया, उन्हें हॉस्पिटल जाना पड़ेगा क्योंकि ऐसा परफेक्ट जो मिस्टर फ्रीक ने सुप्लेक्स मारा है उससे वो बिल्कुल ही डाउन हो गए हैं, बहुत ही बेइज्जत से। और ये देखिए भाई प्रकट रहे हैं राहुल के, वो जूते की गंदगी अपने मुंह पे लगाते हुए राहुल के, और ये अपने फिनिशर के लिए उठा लिया है फार्मर्स कैरी में, लेकिन राहुल ने एल्बो से उसका काउंटर कर दिया और एक क्लोज लाइन जबरदस्त जड़ दिया है यहाँ पे और एक और क्लोज लाइन जड़ चुके हैं यहाँ पे राहुल मैच में वापस आते हुए और ये जी हाँ फिर से एक वापस देते हुए जो कि मिस्टर फ्रीक ने उनकी पीठ पे ही प्रहार करा था एक सुप्लेक्स से, राहुल ने बैक सुप्लेक्स दे दिया है मोमेंटम बनाते हुए अपने फिनिशर के लिए जाने के लिए, अब देखना होगा ये अपना फिनिशर डिलीवर कर पाते हैं मिस्टर फ्रीक को। फिनिशर से पहले इन्होंने बहुत जबरदस्त एल्बो कॉर्नर में मार दिया है और अब जबड़ा तोड़ते हुए यहाँ पे अपनी बेइज्जती का बदला ले रहे हैं राहुल, काफी ज्यादा बिप कर दिया है और गति बना के दोबारा है बट मिस्टर फ्रीक ने लपेटे में लेकर बहुत ही जबरदस्त एक अपना फिनिशिंग जड़ चुके हैं यहाँ पे मिस्टर फीक और देखिए कितने कॉन्फिडेंटली वो फील कर रहे हैं, उन्हें पता है यहाँ पे मैच खत्म है, एक दो और तीन यहाँ पे मिस्टर फीक ने मैच ये जीत लिया है दोस्तों रेसल स्क्वायर रेंज में, एक और विजय।